खिड़की बंद करके गाड़ी चलाओ। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? रणगिरी में नए आए हो क्या? हाँ सर। ठीक है सुनो, कांच बंद कर लो, कोई भी आवाज आए गाड़ी कहीं रोकना मत, चलते रहना चुपचाप, समझ गए? गाड़ी कांच बंद करके ही चलाना, आखिरी बार बोल रहा हूँ। क्या हुआ अनवर? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चेक करके देखो क्या हुआ है। सर एक मिनट देखता हूँ। अनवर अनवर सर। हाँ अनवर देख वहां कुछ गिरा है, वहीं पे गिरा हुआ था। क्या गिरा है सर? यार मुझे लगा कुछ गिरा है। तू कहाँ गया था? सर कार बंद हो गई है सर, और पास में ही एक होटल है सर, वहाँ जाएंगे तो शायद कुछ मदद मिलेगी, अगर आप कहें तो वहाँ चलें सर। ठीक है, कार को लॉक कर दे। हाँ ठीक है सर। ऐसा लग रहा है कहीं आपको देखा है। A face is very familiar to me. सर ये होम मिनिस्टर राजू रवि के बेटे हैं, रोशन रवि। Oh, sir, welcome to Ranagiri. In this hotel we have 6 rooms. By the way, are you bachelor or married, sir? सुनो, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ, गाड़ी खराब हो गई है, कोई मैकेनिक है तो बता दो। सर गांव में इस वक्त तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ब्रदर मुझे बहुत अर्जेंट है, जाना ही होगा, बेंगलुरु जाना है मुझे। आपको इमरजेंसी है मैं ये समझ सकता हूँ सर, लेकिन रणगिरी के बारे में आप कुछ जानते नहीं है। यहां रात होने के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता। टी सर चाय लीजिए। हाँ भैया, आप रणगिरी पहली बार आए हैं ना, नाइट में ट्रैवल करना सेफ नहीं होगा। यस सर, मेरा भी यही सजेशन है सर। ओके यू गाइस कन्विंस मी, बट एक जरूरी बात, मुझे भैया करके मत बुलाओ, कॉल मी रोशन। सर आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ, प्लीज आइए। अनवर सर कल सुबह तक गाड़ी ठीक करवा लेना। हाँ। सुबह जल्दी निकलना है। ठीक है सर। क्या बात है, आप खुद ही लगेज कैरी कर रहे हैं, कोई स्टाफ नहीं है क्या? यहाँ काम में जो भी लगता है वो एक महीने में छोड़ ही देता है, मैं ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूँ लेकिन कोई मिलता नहीं। क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? श्राप है सर, ब्रिटिश काल में यहाँ पर काला जादू हुआ करता था सर, सब उससे डरते हैं, यहाँ हर कोई डर में जीता है सर। ओ ये बात है क्या, चेक पोस्ट के पास गार्ड ग्लास चढ़ा के जाओ ऐसा बोल रहा था? बिल्कुल सर, मैं इस जगह को बेचने के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, कोई बायर मुझे मिल ही नहीं रहा। सर प्लीज दिस वे। ये क्या ब्रदर, यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है। मोबाइल नेटवर्क थोड़ा वीक है सर यहाँ पर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, रात में रूम से बाहर मत निकलिएगा, सेफ नहीं है, कोई जरूरत हो तो लैंडलाइन पे कॉल कीजिएगा, ये आपकी रूम की चाबी। हाँ गुड नाइट सर। गुड नाइट। How do you hit that down there?
That is picked up beautifully from Patip. सर रोशन मेरा बेटा मरा नहीं है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। रहीम सर, अपने डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर को रणगिरी भेजकर यस सर मेरे बेटे के साथ क्या हुआ उसका पता लगाओ। कीप इट ऑफ द रिकॉर्ड, स्टिल हैव 48 आवर्स फ्रॉम नाउ। डेफिनेटली सर, चाहे कुछ भी हो जाए मीडिया वालों को इसका पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। यस सर। ओके ओके सर। सर पीछे हटो सब लोग। छह क्या हुआ सर? कैसा इंसान है यार वो, फोन कर दो फोन रिसीव नहीं करता, आज मिस कॉल दो तो कल फोन करता है, अभी कहाँ होगा पता नहीं। कौन है सर वो? हमारे डिपार्टमेंट में एक महान आदमी, वो ही है, क्या बताऊँ, वो ऐसा आदमी है कि वो इमेजिन करके इमेजिनेशन में ही क्राइम को सॉल्व करता है, वो है शिवाजी सूरतकल। सर ए शिवाजी, कितनी बार तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं रिसीव करते हो, एक इम्पोर्टेंट केस है, अभी तुम कहाँ हो? सर एक साइको 3-4 सालों से डिपार्टमेंट के साथ लुक्का छिपी खेल रहा है, उसके बारे में क्लू मिला है ऑन दैट सर। ए शिवाजी उस साइको केस को छोड़ दो, इमीडिएटली मडकेरी के पास रणगिरी नाम का गाँव है, तुम वहाँ जाओ। मडकेरी सर? जी शिवाजी, जी शिवाजी, शिवाजी कैन यू हेयर मी? यस सर, यस सर। सर मुझे ये केस नहीं चाहिए सर। कम ऑन शिवाजी, रुकी हुई घड़ी को तुम कितने सालों तक देखते रहोगे? आई नो, 5 साल हो गए तुम उस मटकेरी में गए नहीं, अभी तुम वहाँ पर्सनल केस के लिए नहीं जा रहे हो, ये एक ऑफिशियल केस है सर। बट आई एम रियली टू मी, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब मैं व्हाट्सएप से भेजता हूँ, इमीडिएटली मटकेरी जाओ। फाइन सर।